मथुरा के बीएससी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुमन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर डॉक्टर मधुबाला को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया है। ये कार्यवाही प्रबंध समिति द्वारा की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए सचिव श्याम सुंदर बंसल ने बताया कि डॉक्टर सुमन कुमार प्रबंध समिति को नजरअंदाज कर स्वयं भू मालिक बनकर मनमानी कर रहे थे। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रमों में भी प्रबंध समिति को प्रवेश नहीं करने दिया गया। कॉलेज में बाउंसर लगाने के सवाल पर सचिव श्याम सुंदर बंसल ने कहा कि कॉलेज में अराजक तत्वों का जमावड़ा हो गया है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से बाउंसर लगाए गए हैं। क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आम लोगों के लिए रास्ता भी बंद कर दिया गया है। लोगों के दिमाग में ये बहुत गलत फहमी है कि यूनिवर्सिटी का अनुमोदन मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी का अनुमोदन एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के तहत वह कंटिन्यूएशन में होता है। हमारी फाइल यूनिवर्सिटी में पेंडिंग है और उसमें जजमेंट आना बाकी है। बहरहाल प्राचार्य नियोक्ता और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, हम एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉई का हमको सुपरसीड करना अच्छा नहीं है। उन्होंने 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के दिन भी विद्यालय में प्रबंध समिति को वंचित रखा। हमारे विशेष प्रयासों के बावजूद, हर तरह की मन्नतें करने के बावजूद, उन्होंने जो है हमारी बात नहीं मानी और स्वयंभू बनने की कोशिश की, इसलिए उनका निलंबन कर दिया गया। और वर्तमान में डॉक्टर मधुबाला शर्मा, जो सीनियरिटी लिस्ट से हमारे विद्यालय की हैं, वह प्राचार्य पद का कार्य पिछले 15 दिनों से देख रही हैं, बखूबी निभा रही हैं। अराजक तत्वों को रोकने के लिए बीएसए कॉलेज में हमने सुरक्षा के प्रबंध किए हैं, क्योंकि वहां पिछले दिनों 8-10 दिन पहले एक घटना हमारे विद्यार्थी के साथ घट गई थी और अराजक तत्वों ने उस पर आकर गाड़ी चढ़ा दी थी। उस विद्यार्थी के पैरों में चोट है और पैर जो है उसके प्लास्टर बंधा हुआ है, उसकी हड्डियां तक टूट गई। इस सब व्यवस्था को करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा कि अराजक तत्वों की या बाहर के व्यक्तियों की एंट्री विद्यालय में रोकी जाए। विद्यालय एक श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल की संपत्ति है और अग्रवाल शिक्षा मंडल से हम चयनित प्रबंध समिति हमारी कार्य कर रही है। किसी भी, यह कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि हम इसको खुला रखें, लेकिन यह हम सेवा के कार्य के तहत करते हैं, यह ठीक है, लेकिन अराजक तत्वों को रोकने के लिए हमारे पास क्या साधन है। इस वजह से हमने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया है।